हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी नेक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरी टॉप में मैंने बना के रखा है। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैंने फैब्रिक ले रखा है। इस टॉप को बनाने के लिए आपको 1 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। आपको अगर सेम डिज़ाइन चाहिए होगी तो फ्रंट और बैक दोनों साथ में निकाल सकते हैं, या फिर आप फ्रंट में सिर्फ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ में 23 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया यहाँ पे। इसके बाद हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो ये मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 8 इंच लेना है। जो हमें शोल्डर के साइड पर हम निशान लगाते हैं वो है ये। तो देखिए, हम यहाँ से 8 इंच पर, एक नॉर्मल 8 इंच पर रख के निशान लगा लीजिए। इसके बाद देखिए, 8 इंच हमें रखना है। नॉर्मल जो हमारी शोल्डर रहेगी वो हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो 5.5 इंच रहेगी। 5.5 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 8 इंच आ जाएगा। तो 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है आगे साइड पे, फोल्डेड साइड पे जो रहेगा उधर साइड पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 2.5 इंच पर रख के हमें निशान लगा लेना है इधर साइड पर भी, और यहाँ साइड पर भी हम इसके चेस्ट के साइज पे, साइड पे भी हम 2.5 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान के बाद से हमारी मार्किंग स्टार्ट होएगी। तो देखिए, हमने आर्महोल ले लिया। आर्महोल हम यहाँ से लेंगे 6.5 इंच, या 7 इंच भी रख सकते हैं आप। तो मैं 7 इंच रख रही हूँ। अगर आपको स्लीवलेस पहननी हो तो आप 6.5 इंच लीजिए। इसके बाद हम इसके बस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4+1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं, या फिर आप 2 इंच रखना चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो 2 इंच नॉर्मली रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। इसमें मैं वेस्ट का माप नहीं करूँगी, क्योंकि वेस्ट हमारी ऐसे ही रहेगी। अब हम नीचे साइड पर जहाँ हमें इसका चाक ओपन करना है वहाँ पर हम 17 इंच पर रखेंगे, और एक निशान लगा लेना हमें 17 इंच पर। आप चाहे तो 18 से 20 इंच के भी लगभग भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे रखेंगे, और इस निशान के बाद से हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखा मैंने। यहाँ से हिप का 4+1.5 इंच रखना है। आपकी जितनी भी हिप हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दीजिए। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। आप चाहें तो मेजरिंग टेप से भी मिला सकते हैं, या फिर स्केल से भी मिला सकते हैं। मैं फ्री हैंड इसमें शेप दे रही हूँ। इस निशान को हम नीचे तक लेके चले जाएंगे, ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से आर्महोल के लिए हम 1.5 इंच पे रखेंगे, जो हमारा बैक के लिए रहेगा आर्महोल के लिए। देखिए, इस तरीके से रखा हमने, और इसमें हमें शेप दे देना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का आर्महोल रहेगा वो हम 1 इंच पर रखेंगे, और 1/2 इंच अंदर की गहराई का शेप देते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब हमें देखिए, इसका जो हमें नेक है वो मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो देखिए, यहाँ से हमने जो मार्किंग करी थी वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो जो नेक की विड्थ यहाँ से लूँगी मैं 2.5 इंच पे रखूँगी। देखिए, आप अगर आपको शोल्डर थोड़ी सी कम पतली रखनी हो या फिर चौड़ी रखनी हो तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। और जो नेक की लेंथ रखूँगी वो मैं 4 इंच पर रख रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हो गया। हमें इसमें शेप दे देना है। जैसे हम बोट नेक बनाते हैं आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ साइड पे मैंने 1/2 इंच डाउन किया हुआ है। देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर ली है। ये बहुत इजी था, बहुत आसानी से ये टॉप को बना सकते हैं। देखिए, हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं फ्रंट और बैक दोनों साथ में रख के निशान लगा रही हूँ। और देखिए, जो हमने 2.5 इंच पर रखा था उसको भी मैंने डार्क कर लिया निशान को, क्योंकि हमें जो इसमें प्लीट्स डालेंगे तब हमें इस निशान की ज़रूरत होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको कट कर लेना है। जितने भी आउटर मार्क हैं उसकी हमें पहले कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हो आप, ये मैंने देखिए कट कर लिया है। यहाँ से मैं बीच में मिड का कट लगा दूँगी, यहाँ पर बीच साइड में। इसके बाद हम इस टॉप को ओपन कर लेंगे। देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद जो हमें डिज़ाइन बनानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं दोनों पीसेस को अलग अलग कर देती हूँ। इसके बाद देखिए, हमें मिड में जो निशान है इसको हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक प्लीट डालनी है।
देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक पकड़ा और हमें इसमें एक तरीके से प्लीट्स बनानी है और कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ से मैं पिनअप कर देती हूँ इसको ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे बनानी है। पिनअप करने के बाद जहाँ से हमने प्लीट डाले हैं वहाँ से फिर एक इंच का गैप देते हुए इसमें एक और प्लीट डालेंगे, मतलब एक साइड दोनों साइड पे हमारी मिड में जो रहेगी प्लीट इनके दोनों साइड में एक दो दो प्लीट्स हम बना लेंगे। देखिए एक प्लीट हमने इस तरीके से डाली, यहाँ पे हम इसे पिनअप कर लेंगे। देखिए मैंने पिन कर लिया। पिन करने के बाद अब यहाँ साइड से देखिए मेजरिंग टेप लीजिए, 1 इंच पे रखिए और निशान लगा लीजिए और यहाँ पे भी हमें इस तरीके से प्लीट्स बना लेनी है। ये देखिए ये जो हमारी नेक बन के आएगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी, क्योंकि जब आपने देखा था 2.5 इंच हमने लिया था तो इस तरीके से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मिल जाएगा। उस 5 इंच के बीच में हमें ये प्लीट्स डालनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों साइड पे दो दो प्लीट्स हम इस तरीके से पूरी तैयार कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ पहले इसे कच्चा कर लीजिए तो फिर इसके बाद आप ये टॉप बनाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बन जाती है। एक बार हम नेक को चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ से देख लेना है आपको, नेक ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से रख के आपको ये बनानी है। अगर आप चाहें तो एक दो और प्लीट्स में डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बना दिया है। इसके बाद जो हमारी दूसरा वाला पीस है सेम उसमें भी ऐसे ही मैं तैयार कर लूँगी। अगर आपको बैक पार्ट पे आपको ये प्लीट्स नहीं डालनी हो तो अब नॉर्मल जैसे हम टॉप की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। 5 इंच जो हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था वो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमने दोनों में हमने प्लीट्स डालनी हैं तो इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को सेम ही कट करा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी हमने मिड में प्लीट लगाई, फिर हमें इस तरीके से दोनों साइड पे दो दो प्लीट्स डाल लेनी है तो जो नेक बन के आएगी आपकी वो बहुत सही से बन के आएगी। देखिए इस तरीके से कर देना है। यहाँ से भी हम इसको पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इसमें ये बहुत ही अच्छी लगती है जब ये बन जाएगी तब आप देखिएगा। तो देखिए दोनों साइड पर हमने प्लीट्स लगा दी है, अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इसके शोल्डर को साथ में भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपको इस शोल्डर को अटैच करना हो तो। मैं बाद में शोल्डर अटैच करूँगी, पहले जो हमने इसमें प्लीट्स लगाई हैं इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से हमने पकड़ा फैब्रिक को, इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। जो प्लीट्स की डायरेक्शन होगी दोनों की एक साइड ही रहेगी, अलग अलग हमें डायरेक्शन में नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से हमें प्लीट्स लगा लेंगे। एक साइड पे मैंने प्लीट्स लगा दिए, दूसरे साइड पे भी हमें ऐसे ही प्लीट्स लगा लेनी हैं। जो प्लीट्स की डायरेक्शन रहेगी वो एक साइड पे ही रखनी है हमें। देखिए यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा दी, ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो इसमें हमने प्लीट्स लगा दी। तो प्लीट्स लगने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल से लग रहा है अभी भी। अब हमें इसमें जो है फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल के लिए देखिए पहले मैं इसको अच्छे से ठीक करके दिखा देती हूँ आपको। अब इसके ऊपर मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो फ्रिल के लिए देखिए फैब्रिक लिया है मैंने, इसके जो विड्थ लेंथ रहेगी वो 3 इंच की रखी है मैंने और विड्थ अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ा मैंने, इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 3 इंच रखी है मैंने और विड्थ अपनी फैब्रिक के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है, तो मैं इसको स्ट्रिप को जो है तैयार कर लेती हूँ। जैसे हम नॉर्मल डोरी के लिए बनाते हैं वैसे ही हमें इसे भी सिल के इसको पलट लेना है। तो मैं पहले इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, इसको पूरे बिल्कुल किनारे से इसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे, तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से आप सीधा कर सकते हैं। मैंने ये बॉबिन पिन लिया है, इससे मैं इसे सीधा कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया है, आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी हैं। तो देखिए इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप चाहे तो 1 इंच की भी डाल सकते हैं या फिर 1/2 इंच की भी आप छोटी छोटी प्लीट्स इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल चाहे तो आप हाथ से ही इस तरीके से करते जाओगे तो इसमें ये प्लीट्स आसानी से बन जाएंगी। इक्वल भी आती हैं इस तरीके से भी,
अगर आप इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो फोक होता है आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर जो बॉबिन होती है वो आप उससे भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आप उस तरीके से कैसे बना सकते हो। तो देखिए अब मैंने इस तरीके से लिया है ये, इसको हम इस तरीके से मोड़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर सा और ये एक ही बराबर का इसमें हमें प्लेट्स बनती जाएंगी। देखिए इसको मैं आपको पूरा पे पूरे लगा के दिखा देती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लीट्स बना के रेडी कर लिया, आप देख सकते हो कितनी बराबर सी आई हुई है। अब हमें इसे अपने टॉप के साथ रख के लगाना है। तो देखिए मैंने टॉप को इस तरीके से सीधे साइड पर रखा है, आप सीधा उल्टा इसका चेक कर सकते हैं, सीधे साइड पर हमें रखना है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे रफल फ्रिल को और इसके ऊपर रख के हमें अटैच करना है। तो बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर रख के सिलाई लगा सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है आप वो देख सकते हैं, ये हमने नीचे साइड पे रखा है, जब ये सीधा करेंगे तो ये ऊपर साइड को आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से रखा हमने और ये हाफ इंच का गैप देते हुए इसके ऊपर हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है, जो प्लीट्स हैं उसका भी ध्यान देना है आपको, इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना जब आप सिलाई लगा लोगे तो ये बहुत ही बुरी सी दिखेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये नेक पे इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे इस तरीके से, और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे नेक के साइड पे कट लगाना है, क्योंकि जब हम इसे सीधे साइड पे टर्न करेंगे तो इसमें फिनिशिंग के लिए हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। और इसके ऊपर आप चाहें तो आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर एक टॉप सीम लगानी है बिल्कुल बराबर से, आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इस पर सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल किनारे से रख के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, ये लेस के इसके साथ भी अच्छा लगेगा, विदाउट लेस भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये नेक को बना लिया है, दोनों नेक हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये टॉप बनाकर रेडी कर ली है। तो होप यू लाइक इट, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।